हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। तो आज हम क्रिस्पी कॉर्न कैसे फ्राई करते हैं, मैं कैसे करती हूँ, इसके बारे में है आज का रेसिपी। तो आज का वीडियो में चलने के पहले, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन टू गेट न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। तो हम रेसिपी में चलेंगे। तो रेसिपी ये वाले फ्राई बनाने के लिए हमको बेबी कॉर्न्स ख़रीदनी है। ये एक छोटा पैकेट में मिला है मुझे, 30 रुपीज़ का मिला है कॉर्न। सभी जगह पे अलग अलग रेट होंगे, मुझे पता नहीं, मैंने तो 30 रुपीज़ का लिया था, एक छोटा सा पैकेट मिला। इसके लिए मैदा लिया मैंने, राइस फ्लोर, कॉर्न फ्लोर, चिली फ्लेक्स, पेपर पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और नमक, इतना चीज़ से मैंने बना दिया। तो चलिए पहले क्या करते हैं देखते हैं। तो हम मैदा में सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर उसको एक गोल बना लिया। उसके लिए थोड़ा सा पानी यूज़ कर करके ही बनाना है। तो इसी कंसिस्टेंसी में हमको चाहिए, अभी दिखा देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं कराना है, थोड़ी सी गाढ़ी में ही चाहिए हमको। तो इसी तरह हमको चाहिए। तो आइए देखते हैं अब क्या करते हैं। तो हमारी घोल तो अच्छे बन गए हैं। अभी हमको छोटे बेबी कॉर्न्स को 2 इक्वल हाफ्स करना है। बड़े बड़े को आप कर सकते हैं, छोटे को भी थोड़ा बीच में से करना पड़ता है ताकि अच्छे से क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनने के लिए। बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप ऐसे ही डालकर भी देख लीजिएगा। मेरे पूरा थोड़ा सा मीडियम साइज और बड़ा है तो मैंने पूरा को हाफ कर दिया है। मैंने अभी ये राइस फ्लोर लिया है, इसमें थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर भी ऐड किया है मैंने, दोनों मिला के कर दिया क्योंकि ये गरम खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, फिर थोड़ा ठंडा होते तो अच्छा नहीं लगेंगे। पहले हम उसमें जो हमने पेस्ट बनाए थे मैदा का, उसमें डिप करेंगे और इससे कोटिंग करेंगे राइस फ्लोर प्लस थोड़ी सी मैदा, वही कॉर्न फ्लोर से सॉरी कोटिंग करेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। ये कोटिंग के लिए हम ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं यूज़ किया, मैं थोड़ी सी हेल्दी होने की वजह से मैंने राइस फ्लोर और कॉर्न फ्लोर की यूज़ किया है। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स से बनाएंगे और भी अच्छा लगेंगे। ऐसे डिप करके रखना है और तुरंत इसको फ्राई करके निकालने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आइए, हमने कढ़ाई रखी है, उस पर तेल डाल दिए और तेल भी गर्म हो चुके हैं। थोड़ी सी एक छोटी सी गोल डाल के देख लेना और हम एक एक करके कॉर्न, उसमें डिप करा हुआ कॉर्न्स एक एक करके उसमें गर्म तेल में डाल रहे हैं। गर्म तेल ही यूज़ करके बना लीजिए इसको, सिम में नहीं, अच्छे से गर्म तेल में ही डाल के दोनों तरफ करके निकालना है हमको। अच्छे से डाल लीजिए, डीप फ्राई करना है हमको और अच्छे से डाल के निकाल के पलटना भी है। थोड़ी देर एक साइड अच्छे से पकने के बाद इसको पलट के दूसरी साइड भी ब्राउनिश कराना है। बहुत टेस्टी है ये, बहुत हेल्दी है और गरम खाने में बहुत ही अच्छे स्वाद आते हैं। अब गरम ही बनाकर गरम ही खा लीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है।
ज़रूर एक बार बनाकर देख लीजिएगा ये। क्रिस्पी कोन बनकर तैयार हो चुका है और यह हम चटनी के साथ या हम केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी है, बहुत क्रिस्पी भी है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर बनाकर एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है और बहुत ईजिली बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।